नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं वनवाईलाल कुशवाहा, आप देख रहे हैं हेल्थ न्यूज के साथ सी10 न्यूज। देखते हैं जनपद से जुड़ी खास खबरें। नमस्कार दोस्तों, अपने होली के त्योहार के बारे में तो खूब अच्छे से जानते हैं। रंगों का त्योहार जो आपकी जिंदगी में भर दे रंग, वह है होली का त्योहार। लेकिन होलिका दहन भी एक कथा है जिसमें हम होलिका दहन करते हैं, जो रंगों की होली से एक दिन पहले मनाई जाती है, जिस दिन होलिका दहन किया जाता है। कहते हैं इस दिन जो भी बुराई होती है उस दिन जलाकर सब कुछ नष्ट कर देती है। जितनी भी बुराइयां आपके आसपास और नकारात्मक शक्तियां होती हैं, सभी कुछ होलिका दहन में जलाकर सब अग्नि को प्राप्त कर देते हैं। कहा जाता है जिस दिन होलिका दहन मनाया जाता है उस दिन छोटी होली भी कहा जाता है। आज जानेंगे हम होलिका दहन की कथा के बारे में। होलिका हम फागुन मास के महीने में मनाते हैं। कहते हैं कि इस पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप नाम का असुर रहता था। वह चाहता था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान की वंदना ना करे, वह सिर्फ उसे ही पूजे और उसे ही अपना भगवान माने। इसलिए वह अपना खौफ पूरे संसार में बिखेरना चाहता था, जिस कारण से होलिका के बारे में हम कथा स्टार्ट करते हैं। परंतु उसका पुत्र प्रहलाद, जो कि भगवान ईश्वर की वंदना करता था और अपने पिता का कहना नहीं मानता था, वह अवहेलना करता था। तो इसी कारण से हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को सजा देने यानी दंड देने का ठान लिया और उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह उसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में बैठकर जलेगी नहीं। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने होलिका और प्रहलाद को अग्नि में बैठाया, वैसे ही होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सही सलामत बच गए। इसलिए भी कहा जाता है कि हम नकारात्मक शक्तियों और बुराइयों को जलाने के लिए हम लोग होलिका का दहन करते हैं, और यह कार्य हम घर के बाहर करते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। होलिका दहन की एक परंपरा भी है कि जब हम होलिका को जलाते हैं तब हम उसमें अनाज भी भूनते हैं, और वह अनाज भूनने के बाद उसकी जो राख होती है उसे अपने माथे पर लगाते हैं। कहते हैं होलिका का नाम होलिका से पड़ा है, होलिका अनाज से ही मिलकर बना हुआ है, इसलिए होलिका से ही होलिका नाम पड़ा हुआ है, इसी को होलिका दहन कहा जाता है। इस दिन कहते हैं कि अगर हम इसकी राख लगाते हैं तो इससे हमारे आसपास नकारात्मक साया दूर रहेगा और बुरी शक्तियाँ भी हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती। होलिका दहन का महत्व। कहते हैं होलिका का दिन 40 दिन से पहले शुरू होता है और इन दिनों में लोग सूखी टहनियाँ पत्ते इकट्ठा करके होलिका तैयार करते हैं और इस होलिका के दहन वाले दिन उसे जलाते हैं। होलिका की राख अपने शरीर पर लगाकर फिर भी स्नान करते हैं, इससे हमारे घर में बुरी शक्ति और साया दूर रहता है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, ये होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। होलिका का त्यौहार पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये है होलिका दहन के कारण।